मैं, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे को पता है कि तू कितना शाय हो जाता है और कितना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता बिल्कुल नहीं है। होता मैं शायद यार, अब वो शायनर। आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? वाह, निश्चय भाई चीटिंग शुरू हुई। क्या 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 क्या, वेयर आर यू? आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। ओ कि तू साथ रे, जान क्या है अब आपका विचार, ये मेरी मंजिल है अब तो पास है, किस क्या बात है करूं मैं इंतजार, साथ फेरे संग लू तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ, याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तेरी हंसी। हाय 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 हाय, फुकरा भाई का ग्लो। पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, क्या बात है, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं, तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं, तू इन्नी सोनी लगती राती जीवे मून बेबे। क्या बात है, क्या बात है, एवरी गाय फॉलिंग फॉर यू क्रेजी, तू एवे मुंडे नु हुन इन्ना ना तड़पा, ना कोई करनी तेरी जिन्ना मैं करदा, तेरी यादों में ये कलम लिखता रह गया, तू बस कर होर ना सता, देखने को तुझको दिल ये बेकरार रहे रो। यार ऐसा लग ही नहीं रहा कि निश्चय का पहला म्यूजिक वीडियो है यार, कितना कॉन्फिडेंट का बात कर रहा है भाई, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई प्रो है, कोई प्रो है ऐसा लग रहा है भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि निश्चय भाई का ना पहला म्यूजिक वीडियो गाइस, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रो है भाई, मतलब उसको आदत है म्यूजिक वीडियो बनाने का, भाई प्रो है भाई, कतई भाई। उस राती तेरे कॉल का इंतजार रहे, टूटी खिड़की से मैं तुझको तकता रह गया, हुआ है अब मुझे ये पहली बार, सपने भी तेरे ही देखूं जो सोने ना देती है रातें, अब हाल भी तुझसे ही बांटूं क्यों अनजाने लगते हैं बाकी सब, तू ही बता दे क्यों अखच तेरी वे दिखता है मेरा रब, को कोल होने जाने रह जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, संग लू तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ, याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात, क्या ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, बातों में खोना चाहूं, तेरी आंखों में डूबना चाहूं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यादों में सोना न पाऊं, तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं, आया भाई प्रो तो है अपना भाई, एक बार में चबा दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है गाइस, क्या बात है यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा लगा ही नहीं कि निश्चय भाई का ना पहला म्यूजिक वीडियो है ये भाई, ऐसा लगा ही नहीं भाई। अगर तुम शुरू से देखोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस मुंह पे, मतलब मैं तुम लोगों को एक ना चीज़ बताता हूँ, मैंने ना निश्चय से ना बहुत पहले एक सवाल पूछा था कि ना वो ना कोई म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं करता, तो उसने क्या जवाब दिया था एक बार देखना।
अपकमिंग म्यूजिक वीडियो में ट्रिगर इंसान ऑन हिज अपकमिंग वीडियो देख रहा है। तो ट्रिगर इंसान से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे थगेस और सौरभ जोशी का म्यूजिक वीडियो आते रहता है तो तुम्हारा कभी क्यों नहीं आता, तो उसके ऊपर ट्रिगर इंसान ने क्या जवाब दिया सुनिए। मुझे डर लगता है भाई। देखो ये इसने क्लियर बोला कि ये डर लगता है, इस एकदम बोला क्लियर डर लगता है, पर देखो यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस है। मैं इसको हमेशा बोलता था कि भाई डर मत, सब सही है, सब सही हो जाएगा, बट ये है, मैं हर चीज ये जो करी है, शायद स्क्रीन पे मैं फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो कर लूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ। एंड मुझे पर्सनली वो चीज बहुत डरावनी लगती है, इतने बड़े बड़े कैमरा, इतना बड़ा बड़ा, इतने सारे क्रू मेंबर्स वगैरह सब देख के जो फटती है ना भाई। एंड म्यूजिक वीडियो पता नहीं, मे भी शायद अभी तक लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाया। मैं लेवल तो बना लिए हैं, अब तो वहां अब आ सकता है, बैकएंड में रह सकता हूं ना मैं। बैकएंड में रहने की बात किया था इसने, पता है बैकएंड में रहने की बात की थी, बट स्टिल इसने पूरा म्यूजिक वीडियो, ये जो पूरा वीडियो है ना, इसका फुल वीडियो अगर तुम लोग को देखना है तो हमारे इस चैनल पे ये वाला वीडियो, क्या बोलते हैं ये वाला, हमने फुकरा भाई का ये इस पे रिएक्ट किए थे, तो इसी में ही निश्चय भाई ने बात की थी, ठीक है, कि क्यों उसको म्यूजिक वीडियो पे नहीं आना रहता है। वो हमेशा नहीं नहीं परिजन वो बात नहीं है, डर भग गया लड़की देख के, रहा भाई ना ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, लड़की वड़की वाला सीन नहीं है, आता है। मैं सच्ची बात बोलूं, जब भी मैं ऐसा फिल्म वगैरह जो भी बनने का वो प्रोसेस है ना, जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वाला जो शूट होता है उसमें वो बड़े बड़े कैमरास देख के, यार मेरे को वो चीज, वो प्रोसेस सही नहीं लगता। मतलब वो प्रोसेस तो बहुत सही है, बट मेरे को वो पर्सनली बहुत वो लगता है मेरे को, लाइक स्कैरी। तूने बीबी भाई के म्यूजिक वीडियो में काम किया, बीबी भैया के, ठीक है, तू प्लेग्राउंड इतना बड़ा प्रोडक्शन का काम था, इतने सारे कैमरा थे, वहाँ काम किया। बीयू निक भाई के वेब सीरीज में तू था, वहाँ पे भी बहुत कैमरास थे, तो तेरे को क्या इशू हो सकता है इससे? मुझे डर लगता है भाई, ये है, मैं हर चीज ये जो करी है, शायद स्क्रीन पे मैं फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो कर लूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ। एंड मुझे पर्सनली वो चीज बहुत डरावनी लगती है, इतने बड़े बड़े कैमरा, सुन रहे हो तुम लोग, बड़ा बड़ा, इतने सारे क्रू मेंबर्स वगैरह सब देख के जो फटती है ना भाई। एंड म्यूजिक वीडियो पता नहीं, मे भी शायद अभी तक लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाया। मैं लेवल तो बना लिए हैं, अब तो वहां अब आ सकता है, बैकएंड में रह सकता हूँ ना मैं, पीछे पीछे रह सकता हूँ कि दिखूंगा नहीं। लेकर तो तेरे रहने का क्या मतलब है भाई? हैंडसम हैंडसम यूट्यूबर्स को लेकर आएंगे ना अपनी वीडियो में, जैसे कि अभीज अभीज द रेड ड्रैगन, द रेड मशीन, बिग रेड मशीन। एनीवे गाइस, हां अरे मैं लाइव हूँ भाई, अभी लाइव रिएक्शन किया तुम मेरे टू, वाह क्या काम किया भाई निश्चय भाई, मजा आ गया। हाँ भाई, अरे तूने भाई एक बार याद है मेरे को बोला था कि तू म्यूजिक वीडियो इसलिए नहीं करता क्योंकि तेरे को डर लगता है, भाई वो डर तो दिखा ही नहीं भाई इस म्यूजिक वीडियो में। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, वेल डन, मजा आ गया, यू डिड लाइक अ प्रो। फिफ्टी टू सिक्सटी मिलियन व्यूज कमिंग इन दिस वीडियो। अबे ना ना, ओके मिलियन हो जाए वही बहुत है, हो जाएगा भाई, तू पॉजिटिव रह, सारे लड़के भिड़ा दिया हूं मैं, हर एक बंदा तीन तीन जगह शेयर कर रहा है, स्टोरी लगा रहा है, तू टेंशन मत ले। मैं, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे को पता है कि तू कितना शाय हो जाता है और कितना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। नहीं होता मैं शाय यार, अब वो शायनेस निकल गई, अब इतना वो आईआईटी का इवेंट अटेंड कर लिया, म्यूजिक वीडियो और इतने शूट वूट कर लिया ना कि अब थोड़ा सा हो गया, चिल हो गया हूं मैं, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चल अब तो प्रोफेशनल हो गया, अब तो फिर और आप म्यूजिक वीडियोस में आएगा, ये तो सही बात है ना? नहीं गाइस, ये आएगा आएगा, चल ठीक है, एंजॉय कर, मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है, चल क्या रखी, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, और ओके भाई, बाय बाय।